हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मोबाइल में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करनी है उत्तराखंड का जो एलटी ग्रेड का पेपर हुआ है, जो आज भी पेपर था, एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम था दोस्तों। तो किसी बच्चे ने मेरे पास ये सेंड किया है, तो बोला कि सर सोल्व करा दीजिए, तो मैं इस क्वेश्चनों को सोल्व कराऊँगा। इसके अंदर दोस्तों एलटी ग्रेड के अंदर जो है कला के 100 क्वेश्चन आते हैं। उत्तराखंड के अंदर ड्राइंग टीचर जो होता है उसको एलटी ग्रेड के नाम से वो जानते हैं उस भर्ती को। तो यहाँ कला के जो है 100 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 100 क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। आप कोई भी प्रकार की जो कला भर्ती परीक्षा दे रहे हैं, जैसे DSSB, NVS, KVS किसी भी हो, तो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी पुराना पेपर है वो सॉल्व जरूर करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो चलिए, अगर उत्तराखंड वाले बच्चों ने जो मैंने DSSB का पेपर सॉल्व कराया था वो देखा होगा, तो उसमें से भी 2 क्वेश्चन इसके अंदर आ रखे हैं, DGT का जो पेपर हुआ है अभी उसके। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। पहला क्वेश्चन देखिए, वृत्त के केंद्र पर कोण बनता है। तो एक हमारे पास वृत्त है और बीच में हमारा ये केंद्र है, तो इस केंद्र पे कोण बनता है। तो कोण देखो ऐसे लाइन मार दो, ये कितने डिग्री हो गए, 180 डिग्री का, नीचे का 180 डिग्री का, है ना। तो टोटल करते हैं तो कितने का बना है, 360 डिग्री का बनता है। केंद्र पर कोण बनता है क्योंकि कोई लाइन है नहीं, तो इसलिए क्या बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, एलोरा की गुफाओं का अन्य नाम है। दोस्तों एलोरा की गुफाओं को वेरुल गुफाओं के नाम से जाना जाते हैं। क्योरोस्कुरो क्या चीज़ है, क्योरोस्कुरो जो तकनीक है ना, ये क्या है, चित्र के अंदर जो छाया प्रकाश दर्शाने का जो प्रभाव है ना, वो क्योरोस्कुरो तकनीक होती है। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरे में। चौथा क्वेश्चन देखिए, भारत की पिकासो किसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले वीडियो कराया था, मैंने यामिनी राय बताया था, जैसे बोल रहे थे सर आपने गलत बता दिया, तो इसमें देखो भाई अब गलत है कि नहीं वो आप पे डिपेंड करता है। यामिनी राय को कहा जाता है, हुसैन को भी कहा जाता है, बट ऑप्शन में नहीं है तो यामिनी राय को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा रेड्डी द्वारा सृजित छापा चित्र कौन सा है। कृष्णा रेड्डी जो है दोस्तों, ये छापा कलाकार है, ग्राफिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके द्वारा जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, बहुत जो पेंटिंग इनके द्वारा सृजित की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, धरातल की बनावट को कहते हैं। तो ये DSSB का भी एग्जाम हुआ है, DGT, इसमें भी आया था और इसमें भी पूछ लिया गया है पोत। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ये वृत्त है, और परिधि किसे कहते हैं, ये जो चारों ओर का जो चक्र है ना, सर्किल जो लाइन है, इसको परिधि कहते हैं। तो परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं के, परिधि के ऊपर एक यहाँ बिंदु है और एक कहीं भी मान लीजिए यहाँ बिंदु है, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाती है। ये क्या कहलाएगी दोस्तों, ये कहलाती है हमारी जीवा। क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। आपने 10th में पढ़ा होगा, मैथ पढ़ी है तो 10th में आपको याद होगा, जीवा कहलाती है। और जो बीचों बीच निकलती है ना, सबसे बड़ी जो जीवा होती है उसको व्यास कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकार परमानंद चोइर किस राज्य से है दोस्तों। तो ये राजस्थान से है, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, ग्रुप 1890 की स्थापना कब हुई थी। तो ये 1963 में, 1963 के अंदर ग्रुप 1890 की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड मिंटो के अनेक चित्र किसने खरीदे थे। दोस्तों सेवक राम जो थे, जो कंपनी शैली के कलाकार थे, इनके चित्र है लॉर्ड मिंटो ने खरीदे थे। अगला क्वेश्चन देखिए, रूमी कलम का संबंध किस शहर से। तो रूमी कलम का जो संबंध है दोस्तों, ये लखनऊ से है। निम्न में से लक्ष्मण गौड़ द्वारा चित्रित कौन सा चित्र है। तो ये लक्ष्मण गौड़ के द्वारा जो चित्र बनाया गया है दोस्तों, ये कौन सा है, परिवार जो चित्र है लक्ष्मण गौड़ के द्वारा बनाया गया है। अगले क्वेश्चन देखिए, पाल शैली के चित्र मुख्यतः किस धरातल पर बनाए गए हैं। तो पाल शैली के सभी को पता होगा, ताड़पत्र पर बनाए गए हैं। भारतीय कला के पुनर्जागरण काल के प्रमुख नेता मार्गदर्शन चित्रकार कौन है। तो भारतीय कला पुनर्जागरण काल के प्रमुख जो नेता होते हैं सबसे पहले, तो अवनींद्रनाथ का नाम आता है दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन देखिए, वह चित्रकार वास्तुकार मूर्तिकार भी था। तो कौन सा चित्रकार था, साथ में वास्तुकार भी था, साथ में मूर्तिकार भी था। तो ये थे माइकल एंजेलो। चोलवंशी निर्मित जो नटराज की मूर्ति है, सर्वोत्तम शिव नटराज की जो मूर्ति है, ये कहाँ से मिली है, तंजौर तमिलनाडु। इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था, नटराज की मूर्ति में शिव की जो प्रतिमा है वो किसमें है दोस्तों, तांडव रूप में नृत्य करते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, समबाहु त्रिभुज के कोणों की प्रकृति कैसी होती है। तो न्यून कोण होती है। अब देखिए, समकोण कौन सा होता है, सम का मतलब समकोण जो होता है ना, उसमें क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये मैंने 90 डिग्री का कोण बना लिया, इसको बना दिया, ये क्या है, समकोण है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये समकोण हो गया। अधिकोण क्या होता है, ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये होता है अधिकोण। ये देखो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया ना, ये अधिकोण हो गया।
समबाहु त्रिभुज, समबाहु का मतलब होता है सम मानी समान, बाहु मानी भुजाएं, समान भुज इसकी तीनों भुजाएं, तो तीनों भुजाएं में एक जैसी बनानी पड़ेगी हमें, समझ रहे हो, एक जैसी तीनों भुजाएं समान बना दी मैंने। ये क्या होता है, न्यून कोण होता है, ये तो ना तो 90 डिग्री होता है और ना 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो ये कम होता है, न्यून होता है, न्यून कोण बोलते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बाघ की गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये विंध्याचल पर्वत में है। आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट के लेखक कौन है दोस्तों, तो आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट के ईवी हवेल है, मैंने अभी पुस्तकों का एक वीडियो बनाया था उसमें बता रखा है। निम्न में से उस्ताद मंसूर का पक्षी चित्र कौन सा है, साइबेरियन और जुसार से, यानी उस्ताद मंसूर जहांगीर के काल में पक्षी चित्र रहे थे दोस्तों, तो इनके द्वारा बनाया गया। एम एफ हुसैन की प्रसिद्ध कलाकृति कौन सी है, तो मदर टेरेसा जो सबसे फेमस है दोस्तों, आप सभी को पता होगा मदर टेरेसा जो एम एफ हुसैन के द्वारा बनाई गई है। अजंता की गुफा चित्रों का माध्यम क्या है, तो अजंता के अंदर चित्र बने दोस्तों ये टेम्परा माध्यम में बने गए हैं, और इसकी पद्धति जो है तकनीक कौन सी है, फ्रेस्को के द्वारा। कला सत्य की अनुमति किसके द्वारा कहा गया, प्लेटो के द्वारा कहा गया। वीणावादिनी किसकी करती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा नंदलाल बोस की है। रूपम नामक पत्रिका जो कला पत्रिका का आरंभ कब होता है, तो ये 1919 में होता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में कौन सी एक घनाभ आकृति के अंतर्गत नहीं आती है, तो घनाभ तो आपको सभी पता है घन जो होता है, घन घनाभ जो बोलते हैं ये घन होते हैं, घनाभ इसको कहा जाता है, घनाभ इन घनाभ के अंतर्गत नहीं आती है। ईंट इसके अंदर आती है, डिब्बा चोर्स होता है, कोने होते हैं, पुस्तक भी घनाभ में आ जाती है, सेव जो होता है ये नहीं आएगा भाई, क्योंकि सेव जो है किस प्रकार होता है, कोल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, जो नर्तकी का जो है नर्तक, ये दक्षिण शैली का प्रसिद्ध चित्र है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कलमकारी शैली का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है, यहाँ पे जीवन वक्ष जो आएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस वक्र रेखा से वर्त घिरा होता है उसे कहते हैं, वर्त घिरा होता है, जैसे मान लो ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, वृत्त बना दिया। जिस वक्र रेखा होती है वो किस प्रकार होती है, वक्र मैंने बताया था ना, वो दिशाएं मोड़ती रहती है, ऐसे घूमती रहती है कहीं भी, तो ये वक्र रेखा है, मान लो यहाँ से चली और ये ऐसे ऐसे घूम गई गोल, ये वक्र रेखा है, इससे घिरी हुई तो ये क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, क्या कहलाती है, परिधि। कांगड़ा शैली किसके समय में चरमोत्कर्ष पर थी, कांगड़ा शैली जो है किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर थी, तो राजा संसार चंद का नाम आता है दोस्तों सबसे पहले। नाव के टीकरे पर उल्लिखित जो प्राप्त चित्र हुआ है, नाव का जो चित्र है वो कहाँ से मिला है, मोहन जोदड़ो से मिला है। अलीरजा प्रमुख चित्रकार थे, तो अलीरजा जो है दोस्तों ये बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। अगला देखिए, खर्रा चित्र क्या है, खर्रा चित्र क्या होता है, ये खर्रा जो चित्र होता है दोस्तों ये कागज़ पर लंबे रोल पे बनाया जाता है, और इसको हम राउंड कर सकते हैं, लिपटा पेंटिंग जिसे बोल सकते हैं, लपेटा जा सकता है, तो यहाँ पे बी जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 देखिए, मोहनजोदड़ो से 34 देखिए, त्रिज्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था वर्त के अंदर जो सबसे बड़ी जो रेखा होती है और यहाँ पर पीछे पॉइंट है, तो इसका आधा जो हिस्सा होता है ना ये त्रिज्या कहलाती है। इस अगर आपको बोल दे कि वर्त के अंदर त्रिज्या बनाइए, तो आप क्या करोगे, वर्त बनाओगे, पॉइंट लगाओगे और ऐसे लाइन कर दोगे, ये क्या बन गई, त्रिज्या बन गई, ये क्या होती है, व्यास का आधा हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मातृका देवी की जो मूर्ति है, यानी मरण मूर्ति है, ये नर्तकी नहीं है, ये ध्यान में रखना, मरण मूर्तियाँ मिली है तो ये टेराकोटा से बनी है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से जो मरण मूर्तियाँ मिली हुई है वो किससे बनी हुई है, टेराकोटा से बनी हुई सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। निम्न में से प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है दोस्तों, तो येल्लो रंग के अंदर होती है, जो पीला रंग होता है सी ऑप्शन हो जाएगा। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, कंद्रिया महादेव मंदिर खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर भी माना जाता है। चौगान प्लेयर दोस्तों खेलते हुए जो खेला किसमें है, चौक खेलते हुए, तो ये जयपुर के अंदर सॉरी जोधपुर शैली के अंदर बना हुआ, जिसमें ढोला मारू का भी चित्र बना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चमरधारी यक्षिणी की जो मूर्ति है वो कहाँ से, दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। लाल लिली कुमुदिनी के पुष्प में रेगुल नृत्य दोस्तों, मैंने अभी एक कल परसों क्लास कराई थी उसमें बनाया था, पुष्प पुष्प के ऊपर प्रेमी जोड़ा यानी युगल है वो नृत्य कर रहा है पुष्प के ऊपर, तो वो किस प्रकार का जो चित्र है ये कहाँ पर बना हुआ है, तो 41 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोगीमारा गुफा डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, आशा करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जिन्होंने अच्छे से ईमानदारी के साथ तैयारी की है। 42 देखिए, जहांगीर के व्यक्ति चित्र उनके हाथ में क्या लिए हुए, तो जहांगीर का चित्र जो कहते हैं मैडोना का चित्र, जहांगीर के हाथ में बाज बैठा हुआ पक्षी लिया हुआ है, तो ये पक्षी हो जाएगा।
कोणीय रेखाएं किस भार का भाव प्रकट करती है, तो ये व्याकुल का भाव प्रकट करती है दोस्तों। और ये हम जो क्वेश्चन है DSSB के अंदर आया हुआ है, कल मैंने DSSB का आंसर की सोल्व कराई थी उसके अंदर मैंने बताया था, अगर आपने वो देखी हो तो आया हुआ है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके ऐसे ही सही हो जाते हैं और एक पहले आ गया, चार क्वेश्चन आपके अब तक सही हो गए। निम्न में कौन सी कला रूपप्रद है, जिसके अंदर रूप नजर आता है, मूर्तिकला है। मध्यकालीन भारतीय कला के प्रमुख केंद्र का नाम कौन सा है, तो मध्यकाल के अंदर मालवा था दोस्तों। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का शॉर्ट नाम क्या है दोस्तों, पेग ग्रुप। इसकी स्थापना मुंबई में होती है 1947 में, ये ऑप्शन हो जाएगा। बीजापुर किस कला शैली की उपशैली है, बीजापुर किस दोस्तों, बीजापुर जो है किसकी है, ये दक्षिण शैली की। 47 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरकाशी की हुडली गुफा के शैल चित्र में किस रंग का प्रयोग है। दोस्तों उत्तराखंड के अंदर जो है ये हुडली गुफाएं मिलती है, वहां पर नीले रंग की प्रधानता है, कौन से रंगों की प्रधानता है चित्रों में, नीले रंग की, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने रंग के कारण किस मंदिर को काला पेगोडा कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है। मैंने परसों ही वीडियो डाला था उसके अंदर ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, 20 क्वेश्चन का एक वीडियो था छोटा सा, उसके अंदर ये मैंने करवाया था, है ना। तो अगर आप वीडियो ध्यान से ईमानदारी के साथ कोई भी चीज़ है ना, जहाँ भी मिले ना आपको, अगर ईमानदारी के साथ कोई भी चीज़ अपना जो करते हो सही से करते हो तो आपको जरूर फल मिलता है भाई। क्योंकि कुछ बोलते हैं ना फालतू है, यूट्यूब से कुछ नहीं होता, कहाँ आता है, फालतू में वीडियो बनाते हो अपने लिए, ये वो बंद कर दो, अनलाइक भी करते हैं, मतलब डीमोटिवेट करने भी कोशिश करते हैं। बट वही है कि 1000 लोग हमें लाइक करें उसके अंदर एक डीमोटिवेट तो अक्सर होता ही है ज़िंदगी के अंदर, क्योंकि अगर खुशियाँ खुशियाँ मिल जाए तो सही नहीं है स्वास्थ्य के लिए, कभी दुखी भी होना चाहिए इंसान को, है ना, खुशी दुखी, कभी हंसना भी चाहिए और कभी रोना भी चाहिए इंसान की लाइफ में, आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुराण में कलाना परवरम चित्रम जो है ये दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अंदर लिखा गया है। राजस्थान में दीपावली के अवसर पर किस लोक कला, दीपावली को ये कोई मतलब नहीं है, दीपावली आ गया तो कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे होली आ जाए, दीपावली आ जाए, तीज आ जाए, गणगौर आ जाए, कुछ भी फेस्टिवल आ जाए, बट राजस्थान में लोक कला का नाम हो रहा है, तो राजस्थान में लोक कला कौन सी है भाई, मांडना है, कौन सी है, मांडना। रंगोली मत कर देना, कुछ बच्चे रंगोली कर देते हैं, रंगोली महाराष्ट्र की है भाई, रंगोली जरूर बनाई जाती है रंगों के द्वारा, हम बनाते हैं उसको रंगोली बोलते हैं, रंगोली जरूर बनाते हैं, बट रंगोली जो लोक कला प्रमुख रूप से है मान्यता है जो महाराष्ट्र के अंदर, हमारे तो बनाते जरूर रंगोली, इसलिए बच्चे रंगोली कर देते हैं क्योंकि रंगोली बनाते हैं रंगों के आंगन में, होली दिवाली बनाते हैं ना रंग डाल के, तो हमें मांडना कहना चाहिए उन चीज़ों को। अगला क्वेश्चन देखिए, अमृता शेरगिल द्वारा बनाया गया चित्र, थ्री गर्ल, तीन लड़कियां जो है, तीन महिलाएं, अमृता शेरगिल के द्वारा जो बनाया गया चित्र है ये किस विधि में, मतलब किस कलर में बनाया गया दोस्तों, तो 52 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा तेल रंग में। अगला क्वेश्चन देखिए, भरूच स्तूप संबंधित है, तो भरूच का जो स्तूप है सुंगकाल के अंदर बना हुआ है, पत्थरों से निर्माण। अगला क्वेश्चन देखिए, तेल रंगों का आविष्कार किसने किया था, दोस्तों वाई नायक बंधु के द्वारा किया गया है। बसोली में शीश महल बनाकर, दोस्तों यहाँ पे कृष्णपाल नाम आता है, कृष्णपाल आता है, बट यहाँ पे कृष्णपाल है नहीं, तो जहाँ तक मेरा मानना है कृपाल पाल जारी करेगी आंसर की, तो उसके अंदर यही आना चाहिए, बाकी देखते हैं। भारत में रंगने की वह कौन सी विधि है जिसमें कर्णवत पट्टियों का पैटर्न होता है, तो ये दोस्तों जो बाटिक कला होती है ना इसमें कर्णवत, देखिए लहरिया जो होता है ना इसके अंदर ऐसे ऐसे होता है, लहरें होती है, कर्णवत पट्टियाँ नहीं आ गई ना इसके अंदर, नहीं आई। उसके बाद बंदेज की बात करते हैं, बंदेज तो आपने देखा होगा, बूढ़ी जो महिलाएं पहनती है दादी हमारी, तो ओढ़नी होती है, उसके अंदर ऐसे ऐसे है ना बांध बांध के बनाई जाती है, उसमें कर्णवत पट्टियाँ नहीं आती, कर्णवत तो आते हैं पट्टियाँ नहीं आती है। सिबोरी जो होती है ना इसके अंदर जैसे एक धब्बा सा होता है, एक लाइन के आसपास धब्बा हो जाए, उसके अंदर कर्णवत नहीं आएगी। बाटिक जो होती है ना उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये दुपट्टा है और उसके अंदर कर्णवत लहरें होती है ऐसे ऐसे ना डिज़ाइन, ऐसे कर्णवत पट्टियाँ डाली जाती है उसके अंदर बाटिक के अंदर, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, कौन सा कैलेंडर पहाड़ी कला से संबंधित है, मेवाड़, ये स्पष्ट दिख रहा है क्योंकि मेवाड़ जो राजस्थान शैली की उपशैली है। अगला क्वेश्चन देखिए, 58 मणिकुटीम विधि के पुराने उदाहरण हमें किसे मिलते हैं, दोस्तों पंपई जो शहर है ना सबसे प्राचीन रोम के अंदर, तो वहाँ से मिलते हैं मणिकुटीम। अगला क्वेश्चन देखिए, पंपई शहर के ऊपर दोस्तों एक पंपई शहर था जहाँ पर ज्वालामुखी कारण वहाँ के लोग जो है पत्थर के रूप में बदल गए थे, ऐसे आपने कभी देखी होगी पंपई शहर जो, उस पर एक मूवी भी बनी होगी दोस्तों, आपने देखना है यूट्यूब पर, बहुत अच्छी मूवी है पंपई नगर के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, पिरामिड का त्रियक फलक किस आकार का होता है, त्रियक फलक जो होता है त्रिकोणीय होता है, पिरामिड आप लोगों को पता होगा तीन कोणे होते हैं पीरियड के, तो ये किस प्रकार आ गया, त्रिभुज के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, एप्पण संबंधित है दोस्तों, एप्पण कहाँ से संबंधित है, तो उत्तराखंड से है। बनी ठनी किसके द्वारा, तो मोरध्वज न्यालचंद के द्वारा किशनगढ़ शैली में। तक्षशिला का सबसे महत्वपूर्ण स्तूप, धर्मराज जी का जो स्तूप है तक्षशिला, तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन देखिए,
बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प, यानी मकड़ी और लैम्प के बीच में जाल जो है, चित्र किसके द्वारा बनाया गया, तो ये दोस्तों मकबूल फिदा हुसैन MF हुसैन के द्वारा। बाटिक में क्या प्रयोग किया जाता है, दोस्तों बाटिक में मोम रंग प्रयोग किया जाता है, मोम रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, माँ और बालक की मूर्ति किस मंदिर से प्राप्त हुई है, माँ और बालक की जो मूर्ति है किस मंदिर, विमल साहा जो मंदिर है उसके अंदर बनी हुई है, माँ और बच्चा की जो एक मूर्ति बनी हुई है दोस्तों विमल साहा मंदिर के अंदर। 66 देखिए, गंगा अवतरण जो शिल्प है, रिलीफ मूर्ति है, इसकी विषय वस्तु का है, बना तो हुआ है आप सभी को पता होगा महाबलीपुर में, बट इसकी विषय पूछी है, तो ये भागीरथी जो कि तपस्या करते हैं, भागीरथी नदी का नाम भी है, देवी का नाम भी है, उसकी तपस्या करते हैं, गंगा अवतरण जो है उसका विषय रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक चित्र तो मिर्जापुर है दोस्तों, एक कैमूर की पहाड़ियों मिलता है, काकबन काला के द्वारा, स्केचिंग क्या है, तो स्केचिंग जो त्वरित रेखांकन होता है ना, तुरंत किया गया, तो वो स्केचिंग का है। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकार जिसने डांडी मार्चा का छापा चित्र, यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे गलत कर देंगे, देवी प्रसाद नहीं कर देना, यहाँ पे चित्र पूछा है भाई, मूर्ति नहीं पूछी है, तो 69 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या कर देंगे हमें, नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, रंगों के संयोजन का ज्ञान होता है, रंग जो है लावणी योजना जो होती है, रंगों का संयोजन इसके हमें ज्ञान होता है, सॉरी दोस्तों इस ये जो क्वेश्चन है ना, रंगों का संयोजन का ज्ञान होता है, तो यहाँ पे देखिए वर्णिका भंग, वर्ण माने होता है रंग, वर्णिका भंग जो होता है इससे रंगों के संयोजन का ज्ञान होता है। वर्ण के कितने गुण होते हैं, तो 3 गुण होते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कला अभिव्यंजना किसने कहा था, तो कला अभिव्यंजना एक रोचक द्वारा कहा गया, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ की प्रतिमाएँ बनाई गई है, तो ये कास्ट की प्रतिमाएँ हैं दोस्तों, ये ध्यान रखना, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है ना उसमें लकड़ी की प्रतिमाएँ बनी हुई है। अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों जो फोटो है ये रोटेट नहीं हो पा रही है, व्हाट्सएप के अंदर किसी बच्चे ने भेजा था, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो तो देखना एक बार। मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे, मुगल शैली के कौन थे, अबुल हसन डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा एक मूर्तिकार भी थे, तो रामकिंकर भी है चित्रकार मूर्तिकार भी है। वह रेखाएँ जो एक दूसरे का अनुकरण करती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो आवर्ती रेखाएँ हैं ना, आवर्ती मतलब होता है बार बार, जैसे एक रेखा आ गई उसके बाद एक ही, उसके बाद एक ही, उसके बाद, तो ये अनुकरण का मतलब है नकल करना, तो ये नकल कर रही है ना। संधि रेखाएं क्या होती है, दो, एक इधर से एक इधर से, दोनों टुकड़े होते हैं, तो शायद जहाँ तक मेरा मानना है दोनों आना चाहिए, बट 100% मेरा आवर्ती रेखा ही जाएगा दोस्तों। गौथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता है, तो भवन निर्माण गौथिक कला थे। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था, तो निहालचंद था। वास्तकनी के अग्रणी चित्रकार कौन है दोस्तों, तो देखिए वास्तकनी के तो यहाँ पर दिया नहीं रखा, जो हमें क्षेत्रेंद्र नाथ के बारे में अभी मैंने कल क्वेश्चन भी करवाया था, तो यहाँ पे इनका नाम नहीं है वास्त चित्रों का, तो यहाँ पे हम अब चुगताई कर देंगे, क्योंकि ये बंगाल शैली थे और बंगाल शैली की देन है वास्त चित्रण थी, इसलिए इसको कर देंगे, क्योंकि इस आधार पर कर रहे हैं हम, देखो बंगाल शैली से संबंध कलाकार है और बंगाल शैली की देन क्या थी, वास्त चित्रण। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष दुर्ग किससे बना हुआ है, तो दोस्तों ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब होती है, ये 1907 में होती है। सेट स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, सेट स्क्वायर जो होते हैं दोस्तों इसका उपयोग कोण मापने में किया जाता है, किसमें, कोण मापने, जो आपने देखा होगा 10th 11th में पढ़ते इस प्रकार की एक ज्योमेट्री बॉक्स आता था, उसके अंदर मैथ के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंटल आते थे ना, ऐसे कोण से बने होते थे, तो ये कोणों को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, सेवेंटी फोर आ चुका था ना हमारा, अब हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन जो है 83 क्वेश्चन को करते हैं। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो अमरावती की मूर्तियाँ रोमन का, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को, इसके बारे में दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे कन्फर्म नहीं है, तो इसका मैं कमेंट कर दूंगा या तो पिन कर दूंगा या आप देख लेना। ईरानी और राजस्थान शैली के समन्वय से विकसित जो शैली है ये कौन सी है, तो ईरानी शैली राजस्थान शैली से उत्पन्न हुई मुगल शैली थी। बालों के चित्रण के लिए प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों, तो बालों के जो चित्रण के लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है ना वो है कौन है, 86 का हो जाएगा दोस्तों ड्यूरर, कौन है ड्यूरर, ए ऑप्शन हो जाएगा 86 का क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता में किस गुफा में सबसे अधिक चित्र बने, तो गुफा संख्या 17 में। चित्रकला मूर्तिकला वास्तुकला का संगम एक साथ कहाँ देखने को मिलता है, अजंता में। पहाड़ी शैली में प्रमुख योगदान किसका था, तो राजा संसार चंद का। शीतुनाशली गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए 91, चित्र की लंबाई चौड़ाई जो विस्तार है वो कहते हैं दोस्तों, तो
चित्र के जो हमारा चित्र होता है उसके अंदर जो लंबाई चौड़ाई जो होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको रूप कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दर्शक के घन के कितने तल दिखाई देते हैं, तो एक साथ तीन दिखाई देते हैं, आप सभी को पता होगा ऐसे हम घन बनाते हैं तो उसके अंदर तीन तल देख सकते हैं। महान भारतीय मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी की ऐसदान मूर्ति का नाम शर्म की विजय। अकबरकालीन चित्र गोवर्धनधारी कृष्ण जो है किसके द्वारा बनाया गया, तो मिस्किन के द्वारा। भारत में कैनवास पर तेल चित्रण की शुरुआत करने वाले कलाकार कौन थे दोस्तों, तो राजा रवि वर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी के शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया जाता है, तो अष्टाध्यायी दोस्तों पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा था, ये चित्रकला से संबंधित। इसके अंदर कला के दो कलाएं बताई थी, चारुकला और कारुकला। चारुकला जो होती है सुंदरता के लिए, कारु जो होती है काम में आने वाली उपयोगी कलाएं, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा चारु और कारु या फिर ललित उपयोगी। पीला और लाल रंग मिलाने से द्वितीय रंग बनता है दोस्तों कौन सा, नारंगी। अजंता की गुफा संख्या एक बने विश्व विख्यात जो चित्र है वो कौन सा है दोस्तों, तो बोधिसत्व है पद्म पाणी का जो चित्र है ये बना हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों जो यहाँ पे है, ये बार बार ऐसे हो रहा है क्योंकि व्हाट्सएप पे बच्चे ने भेजी है तो वो भी ढंग से नहीं भेजी फोटो। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन देखिए, सभी है चित्र किन चित्रों को कहा जाता है, सभी है चित्र जो होते हैं ना व्यक्ति चित्रों को कहा जाता है दोस्तों, और सभी है सर्वाधिक किसके काल में, अकबर के काल में, सर्वश्रेष्ठ किसके काल में, जहांगीर के काल में, सभी है चित्रों को महत्व किसके काल में आता, अकबर के काल में। ये सारी बातें हमने कल वीडियो में की थी। दो पहियों वाली कांस्य की तीन बैलगाड़ियों से सभ्यता से प्राप्त होती है, दो पहियों वाली कांस्य की जो ना तीन बैलगाड़ियाँ मिली है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से। 100 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कला से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने को मिलते हैं। और अभी दोस्तों जो आरपीसी एस्टेट आगामी जो कला भर्ती परीक्षाएँ हैं और जिनका टाइम है, कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है ऑनलाइन, तो दोस्तों हम कोचिंग स्टार्ट कर रहे हैं और वो बिल्कुल फ्री में रहेगी कोचिंग, कोई भी पेड चार्ज नहीं किया जाए, बिल्कुल फ्री में कला की हम कोचिंग देने वाले हैं ऑनलाइन, जूम पे या फिर देखेंगे कोई भी ऐप होता है थर्ड पार्टी उस पर ऑनलाइन क्लासेस देने स्टार्ट करेंगे दोस्तों बिल्कुल फ्री में। तो जो बच्चा इच्छुक है कोचिंग करना चाहता है हमसे, तो आप सभी को पता तो चल गया होगा हमारे नोट्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है हमारे वीडियो से। तो जो भी कमेंट करना चाहता है तो नीचे कमेंट करके बता दें मुझे, तो जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों हम कोचिंग। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और अपनी पढ़ाई है वो जारी रखें भाई। अगर इस भर्ती में नहीं हो रहा है तो TGT की भर्ती नेक्स्ट ईयर और आने वाली है, क्योंकि ये तो देखो हर 2-3 साल से आती रहती है भर्तियाँ, अगर इस टाइम नहीं तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करें, तो आप अभी से तैयारी में लग जाओ। धन्यवाद।